नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इशॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में अब फिर से लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या बाई करके चलना चाहिए, या फिर जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, उनके लिए क्या डिटेल्स हो सकता है, क्या इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है। 146 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, जबकि अगर वहीं डेप्ट की बात करें तो कंपनी फुल्ली डेप्ट फ्री है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 27.8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी काफी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट का डिटेल आपको देखने को मिलता है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में 4.36 करोड़ का डिटेल देखने को मिलेगा। प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत ही ज्यादा वीक है, 9.37% का, यही एक वीक पॉइंट है इस कंपनी के अंदर। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो 34 पैसे का इस कंपनी ने बनाया था। कंपनी अपना 52 वीक हाई बनाया 3.06 रुपए का, और अभी यह कंपनी चल रहा है 2.78 रुपए के पास में। कंपनी का बुक वैल्यू है 13 पैसे का। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल। दोस्तों, अगर इस कंपनी के पिछले 3 सालों के हम चार्ट के डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे कंपनी अपना एक हाई बनाया था 1.93 रुपए के पास में, और उसके बाद इस कंपनी में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिला था। कंपनी अगेन बाउंस बैक करता है तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर निकल जाता है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का भी काम करेगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो देखते हैं इस कंपनी का डेली चार्ट क्या बनता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के डेली चार्ट पे हम डिटेल की बात करें तो इस कंपनी का जो पहला सपोर्ट लेवल है वो है 2.30 रुपए के पास में। अगर यह कंपनी यहां पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यह कंपनी इस लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे जाता है तो 1.93 रुपए, जो कि हमने लॉन्ग टर्म के चार्ट में इस कंपनी के डिटेल को देखा है, कंपनी उसके भी नीचे जाता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.20 रुपए इस कंपनी का सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी इस कंपनी को बाई कर रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया था, उन्हें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इस कंपनी का RSI काफ़ी ऊपर निकल चुका था। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप पैनी शेयर में इंक्लूड हो तो 92 के RSI से ही आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। उसके बाद चाहे शेयर कहीं भी जाए, आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग टाइम से करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। थोड़ा कम प्रॉफिट कमाए लेकिन प्रॉफिट पूरा ले जाए अपने हिस्से का, ऐसा नहीं कि ज्यादा के लालच में आपका बना बनाया प्रॉफिट भी जीरो हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग भी बाई करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले इस कंपनी का एक सपोर्ट लेवल बन जाने दें, उसके बाद इस कंपनी को बाई करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।